नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अपने भाषणों के जरिए सीएम योगी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विज्ञापन मैं आ रहा हूं को लेकर कहा कि वसूली करने आने वाले हैं। सीएम योगी ने भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा, मैंने औरैया में देखा कि समाजवादी पार्टी का एक विज्ञापन चल रहा है, जिसके बाद वहां पर 8 लोगों ने एक व्यक्ति का जबरदस्ती अपहरण कर लिया, जिस पर लोग सवाल उठाने लगे कि क्या विज्ञापन का मतलब यही है। आपको बता दूं कि इस विज्ञापन का मतलब यही है कि गुंडागर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन देना। सीएम ने कहा, यह सब अब नहीं हो पाएगा, उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किसानों और प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। हमारी सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफ़ी और बहन बेटियों के लिए एंटी रोमियो दल बनाया गया था। सीएम योगी ने सपा का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो पहला काम राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी का मुकदमा वापस लेने को हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, यूपी में कानून राज के साथ जनता का विकास हो रहा है। पिछली सरकारों में केवल एक परिवार के विकास को ही प्रदेश का विकास माना जाता था। सीएम योगी ने हाल ही में भदोही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, जबकि वो कहते हैं कि मेरा परिवार और सिर्फ मेरा ही विकास। उन्होंने कहा था कि सपा सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण कर रखा था और गरीबों के राशन हड़प लिया था। इस सरकार में अपराधी यह जान ले कि अगर अब कोई अपराध करने की कोशिश भी करेगा तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मैं आ रहा हूं नाम से एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था, आज झूठ का फूल, लूट का फूल बनकर 2400 घंटे जनता को ठग रहा है। आज केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना, गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना, ये कहाँ का हक है। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, एक दूसरे पर उलट सुलट बयान दे रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।